पुलिस ने रोकी इनोवा गाड़ी तो मिला 2 क्विंटल से अधिक गोमांस। गिरफ्तार हुए राहुल, सचिन और ब्रिजपाल। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर के गोमांस कई बार बरामद किया गया है और पुलिस कई बार पकड़ती है और जिसको लेकर के लगातार सुर्खियां रहती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो काफी सख्ती की गई है और जो भी है गोमांस के धंधे चलाते हैं उनके ऊपर भी कई बार बहुत बड़ी कार्रवाई होती है और जो लोग भी लगातार पकड़े जाते हैं कई बार तो एनकाउंटर तक हो जाते हैं। और ये मामले आपने लगातार देखे होंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पर, क्योंकि जिस तरह से गौओं का लगातार मांस सप्लाई किया जाता है, गौओं सप्लाई की जाती है, उनकी हत्याएं की जाती है, तो उनको लेकर काफी सख्त रहती है पुलिस। और अब फिर ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गो तस्करी या गो हत्या में लोगों का पकड़ा जाना कोई पहली बार नहीं है यह खबर, और ना ही कोई हैरानी वाली बात है। सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदेश में अलग अलग जिलों से गो हत्या के मामले सामने आते रहे हैं। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार भी करती है और कई मामलों में तो एनकाउंटर तक हो जाता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आया गो हत्या का एक मामला हैरान करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने 3 लोगों को 2 क्विंटल मांस के साथ गिरफ्तार किया है और वो भी गो मांस। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तीनों के 3 हिंदू है। और बिजनौर पुलिस के एक बयान के मुताबिक राहुल, सचिन और ब्रिजपाल को कार में 2 क्विंटल गो मांस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला कि तीनों युवक 2 बैल लेकर जंगल में गए थे, जहां मुस्तफा नाम के कसाई ने इन दोनों बैलों को काटा। इसके बाद ये दोनों ही युवक जो 2 बैल काटे गए थे इनको लेकर गाड़ी में लादकर और इस मांस को बेचने के लिए जाते हैं। पुलिस ने इन तीनों को धर तो लिया है लेकिन मुस्तफा फरार है। हालांकि गो तस्करी या गो हत्या के मामले में गिरफ्तार होने वाले ये युवक पहले हिंदू नहीं है। इससे पहले आगरा और मुरादाबाद में भी पुलिस गो हत्या के मामले में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। बिजनौर की घटना में पुलिस को बैलों को काटे जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जंगल में एक इनोवा कार को रोका। इसमें पुलिस को गो मांस और जानवर काटने के उपकरण बरामद हुए, लेकिन कार सवार मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में गो हत्या को लेकर काफी सख्ती है, लेकिन पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसे मामले सामने आते ही रहे हैं। फिलहाल 3 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब लोगों को पता चला कि यह जो गो हत्यारे थे कोई और नहीं बल्कि ये 3 के 3 हिंदू थे। और इसको लेकर लगातार वहां के एरिया में सनसनी फैल गई कि आखिरकार कैसे यह अपना दीन ईमान मारकर गो मांस को बेचने चले थे। और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनको तो 3 को पकड़ लिया, लेकिन उन 2 बैलों को नहीं बचा पाई पुलिस, जो यह 3 आरोपी जंगल में ले गए थे, जिनको के मारने के बाद उनका गो मांस बेचने की इन लोगों की साजिश थी। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया, अब देखना होगा कि आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिरकार कब पुलिस इनके घरों पर बुलडोजर चलाएगी, कब पुलिस इनका एनकाउंटर करेगी, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।